कि इसको बहुत ज़्यादा जल्दी है भाई, देखा फंसा दी गाड़ी अभी भाई, पकड़ पीछे, छोड़ना मत, छोड़ना मत भाई साहब, गई 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 गई। अच्छा अच्छा, आने वाले दिनों में यहाँ पे गोलगप्पे की रेडी भी लगेगी। गोलगप्पे, दही बल्ले। गुड मॉर्निंग भाई साहब, गला भी बैठ गया मेरा तो थोड़ा सा। यहाँ पर देखो भाई, रात में ना इतनी ज़्यादा ठंडी थी, हम दो दो तीन तीन कंबल लेकर सोए हैं, लेकिन ये सही है कि यहाँ पर ना कंबल अच्छे खासे मिल गए थे तो ठंड बिल्कुल भी नहीं लगी। बाकी ये देखो सामान कितना फैला हुआ है हमारा, देख रहे हो भाई साहब, पूरे जमाने का सामान लेके चलते हैं हम। है ना। और एक चीज़ और, रात को हमने 12 बजे तक भाई नाइट फोटोग्राफी करी है, 12:30 बजे तक भाई। फोटो देखो आप भाई साहब, मज़ा ना आया ना कह देता। और अभी तैयार होते हैं आगे के लिए, हम जाने वाले हैं सीधा, कहाँ जाने वाले भाई? मनाली। मनाली, हाँ भूल गया था मैं। यार लद्दाख छोड़ने का मन नहीं, मनाली की याद ही नहीं आती। बाकी सुबह के बज चुके हैं 8:30, थोड़ा सा लेट हो गए उठने में, तो ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं फिर निकलते हैं, है ना। हे भगवान, हे भगवान, इसका भी शूट होना है। सुबह के कार्यक्रम। तो भाई ये रहा बाहर का नजारा, वैसे जब आए थे तब भी आपको दिखाया था, 3 टेंट इधर लगे हुए हैं, 1-2 टेंट इधर लगे हुए हैं, इसमें हम सोए थे, बाइक यहीं पे खड़ी कर दी थी हमने। मेन हाईवे के साथ में ये कैंप साइड है पूरी की पूरी, सी कोई नहीं रुका, सिर्फ हम रुके थे यहाँ पर। 15 किलोमीटर आगे पांग है, वो देखो ट्रक जा रहा है मोरी प्लेन से, मोरी प्लेन ही बोल सकते हैं आप इसको, मोरी प्लेन में रुके हुए हम। हालांकि हाइट यहाँ पर ज़्यादा है थोड़ी सी, मैं सजेस्ट कम करूँगा यहाँ पर रुकने का अगर आप मनाली साइड से आ रहे हैं तो, क्योंकि एकदम से आप एलिवेशन गेन करते हैं तो दिक्कत हो सकती है। हमें तो ऑलरेडी 20-22 दिन हो चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अंदर आ गए हम अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। अच्छा बना रहे हैं, ओके। तेल लग गया, सिर्फ पराठे मिल रहे हैं, चाय मिल रहा है और कुछ खाने को तो है नहीं। सॉस के साथ खाए जा रहे हैं पराठे भी, कभी खाए हैं सॉस के साथ? हाँ भाई। सॉस, चाय, पराठे। ये देखो यहाँ पर लाइट नहीं है, सोलर से ये लालटेन मिलती है बस रात को जलाने के लिए, ये चल जाती है करीबन 5-6 घंटे। मैं सोच रहा हूँ अपनी बाइक पे लगा दूँ, क्यों मोबाइल चार्ज हो जाएगा, लगा दो टॉप बॉक्स के ऊपर, है ना, टॉप बॉक्स के ऊपर सही रहेगा, और अंदर सारा गैजेट चार्ज होता रहेगा। साइड में लगा दो मोबाइल शोबाइल, जो भी चार्ज करना हो डायरेक्ट चार्ज होता रहेगा। ये थोड़ा भारी लग रहा है ये। चलो भाई फटाफट स्टार्ट करते, ऑल सेट। और यहाँ का बिल हमारा आया 1740 रुपये, बढ़िया रहा यार दो बंदों का 1740, है ना, खाना पीना सब कुछ मिला के। शाम को पांग जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था तो हम यहाँ पर रुक गए थे। चलो अब निकला जाए, चलो बेटा यहाँ से तो बाइक भी नहीं हिलती, हिल जा बेटा बाइक, पूरी जाम हो गई। चलो जी, ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे फिर दोबारा, ओके। सीधा चढ़ जाते हैं हाईवे पे मोरी प्लेन्स। चल बेटा ट्रक निकल जा तू, हम निकले फिर, जय माता दी। टाइम हो गया है 10:06, लेट हो गए, हमें 8 बजे तक निकल जाना चाहिए था, लेकिन यार इतनी ठंड थी ना सुबह, उठा ही नहीं गया। यहाँ से मनाली है जी 309 किलोमीटर, सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है आज का, लेकिन 3 पासेस पड़ेंगे जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 12 लाचला, लाचुंगला, नाकीला, तो एडवेंचर बम होने वाला है। मौसम देख रहे हो बिल्कुल साफ़ है, यहाँ पर जब पिछले साल आया था मैं बहुत ही कतल ड्रोन शॉट आया था, बादल ही बादल थे,
मस्त वाला ड्रोन शॉट है, तो आपको वो दिखाते हैं। एक मिनट रुको जी, एक चक्कर मारते हैं यहाँ का, ठीक है। एक्चुअली बैटरी डाउन है ना फ़ोन की, इस वजह से यहाँ पर ड्रोन नहीं उड़ा रहा, नहीं तो एक ड्रोन शॉट आपको दिखाता। लेकिन ड्रोन शॉट मेरे पास पड़ा हुआ है इस प्लेस का, भाई वो देखो, छोटा सा डालूँगा लेकिन आपको ना मज़ा आ जाएगा देखकर। वैली बहुत ब्यूटीफुल है, हालांकि हार्श सन अभी पड़ रहा है, अलग ही फील आएगी देखकर। स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। आप देखो ड्रोन शॉट, हम बढ़ते हैं पांग की तरफ। जलो मगर दीपक की तरह, क्या बात लिखी है ना। भाई साहब मेरे को देख के जलते हो ना भैया, ना जलो मत रीस करो। देखो आगे ट्रक पर लिखा हुआ है, पांग में आपका स्वागत है। यहाँ पर तो भाई साहब रात को इतनी गाड़ियाँ लगती हैं, हद से ज़्यादा, आधी बार तो आप सो नहीं पाते यहाँ पर। 15,280 फीट पर है जी पांग। पुल टूट गया क्या भाई साहब? ऐसी तैसी हो जाएगी, पुल टूट गया हो तो। पुल रिपेयर कर रहे हैं शायद। क्या बोल रहे, कब तक खुलेगा ये? पता नहीं, कितना टाइम बता रहे हैं? कौन ये? हाँ ये तो टाइम लगेगा अभी। कितना कितना? 12 बजे के लगे हुए रात के। रात के 12 बजे के लगे हुए हैं। हाँ देखते हैं। अरे उधर भी तो फंसा दिए ना गाड़ियाँ, वहाँ देखो ना पत्थर पड़े हुए बहुत मोटे मोटे। बाइक भारी है मेरी, नहीं निकल रहा। वो टेम्पो ट्रैवलर तो फंस गया लग रहा है। गाड़ियाँ तो चढ़ ही नहीं रही हैं यहाँ से, इतने पत्थर हैं। ये देखो फुल पेस में लेके आ रहा गाड़ी, फंस गई फंस गई। नहीं गई, नहीं जाएगी भाई, नहीं जाएगी। वो उल्टा चला गया, ऊपर कैसे लेके गया ये? उल्टा ले गया, मोड़ ली होगी वहां से, है ना? मैं निकाल लूं? मानस आइयो भैया, पकड़ लेना है, तो बहुत ज़्यादा स्लोप है, भारी गाड़ी है। हाँ पीछे से पकड़ लेना, भारी है थोड़ी सी। भाई साहब देख के, हाँ इसी को पकड़िए और कुछ नहीं। ये तो नेक्स्ट लेवल हो गया, जा रही। हाँ हाँ ब्रेक लेके, फ्रंट ब्रेक उग गई। दोनों दोनों कैसे लगाऊं? पकड़ के रखना पीछे की तरफ। और मेरे पैर पे चल रहा है। चल चल चल, टेढ़ा हो रहा है हैंडल। कोई नहीं, पकड़ लो पीछे, छोड़ना मत। भाई साहब गई 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 गई, मेरे पैर ही नहीं पहुंच रहे हैं। आ गई ऑलमोस्ट। हो गया। हो गया। बस ठीक है, हट जा, हो गया। हाँ। थैंक गॉड। भाई साहब बीआरओ नहीं होती ना तो यहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं होता। वो देखो कितनी चढ़ाई है, यूं था भाई। ये बीआरओ नहीं होती ना तो नहीं आती गाड़ी। बीआरओ को बहुत हेल्प कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
गाड़ियां नहीं चढ़ रही यार, वो उल्टा ले गया देखो। नहीं, कोई भी कार चढ़ गया यहाँ पे। अब तो शायद आसानी से निकल जाएगी, मानस भी आ गया। खतरनाक, ये तो ज़बरदस्त हो गया भाई। अब यहाँ से ऊपर चढ़ना हमें, ये भी चढ़ जा बेटा टाइगर, चल 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 चल। आगे मोटे मोटे रोड़े पड़े हुए हैं, वो तो निकल गया, अब तेरी बारी है। फंस गया, ऊपर फोटो शूट चल रहा है, नीचे फंस रही है। ट्राई करते एक बार और, एक मिनट। जय माता दी, चल चल बेटा चल टाइगर, चढ़ जा तू, चढ़ जा चल बेटा। क्या हो गया, मुड़ गया, बैठ जा, पैर मुड़ गया उसका। और इधर देखो, कर एक फोटो खींच दे फोटो। कोई नहीं कोई नहीं भाई, रुक जा भाई, रुक जा, निकल जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा जल्दी है भाई, देखा फंसा दी गाड़ी। अब ये कैसे निकालेगा, मैं बोल रहा था रुक जाओ। नहीं ए शिट यार, अब ना निकलती है जल्दी से। देख के फालतू में फंसा दी। फाइनली निकल गई। अच्छा, अरे सेल्फी वीडियो देख के तो आया हूं मैं। ओके, थक गया यार। कहाँ से? हाँ अभी तो उधर से आ रहे हैं हम, ले से। अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई, चल बेटा चेतक, रुकना नहीं है, ठीक है। ये लाचुंगला 16,616। ट्रक देखो कैसे गिरा पड़ा है, पलट ही गया। यहाँ पे रास्ते इतने खतरनाक है ना, मुझे खुद डर लग रहा है यहाँ पे चलाने में। लो जी, हम पहुंच चुके हैं गाटा लूप्स, और ये 21 हेयर पिन बैंड्स हैं जो कि सीधा टॉप से नीचे लेके चले जाते हैं, करीबन मेरे ख्याल से 1,500 या 2,000 फीट डायरेक्ट आपको नीचे लेके जाते हैं। हाँ जी, पहुँच गए जी, सरचू पहुँच गए हम। क्या बात है, ये जो टेंट नज़र आ रहे हैं, टीन शेड, ये पूरा का पूरा सरचू है।
भाई साहब क्या हालत हो गई है बाइक भगा भगा के। अरे रोशनी नहीं आ रही है, ये देखो उधर देखो टाइगर खड़ा अपना, और ये भाई लंगड़ा रहा थोड़ा सा। सारचू में जियो का नेटवर्क आ चुका है, कृपया यहाँ से कॉल कर ले। अच्छा नेटवर्क भी आ चुका है भाई, और आपका इंटरनेट वगैरह भी फर्स्ट क्लास चल रहा है यहाँ पर, मतलब वीडियोस वगैरह भी अपलोड कर सकते हो यहाँ से। दो जूस पी लिए हैं, अब हो गए हैं फ्रेश, और फिर दोबारा दौड़ाने की करते हैं तैयारी अपने टाइगर को। लद्दाख में है, लद्दाख में अभी उस साइड जाएंगे तो हिमाचल में हो जाएंगे। हाँ चलो नाम वगैरह लिखे यहाँ पर चौकी पर, ये पुल बन जाएगा तो इजी हो जाएगा सबके लिए। इस बार तो लग रहा है पानी नहीं है, पिछली बार तो जबरदस्त पानी था। लद्दाख में पानी ख़त्म होता जा रहा है बॉस, ये तो बहुत ही कम पानी है, इतना पानी देखने को मिलता था ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ये देखो इन भाई लोगों ने रोक लिया, ये कहाँ से इतने गंदे होके आ रहे हैं भाई? हम रेत में होते आ रहे हैं। कहाँ से? इधर घुस गए थे हम बीच में, उधर बड़ी रेत हो रही है, बड़ा फैन। अरे क्या बात है, थैंक यू भाई, थैंक यू। आपके घर के ऑफिस के 4-5 किलोमीटर दूर ही रहता हूँ। अच्छा बढ़िया यार, कौन सी बाइक है ये? हिमालयन। हिमालयन, अच्छा आपको ये देखकर निकला हूं मैं। सही सही सही, देखते ही पहचान लिए, कलर आपने किया देखते ही पहचान लिया, मैंने किया फिर आपका पीछा। अच्छा वो तो मैं इसके चक्कर में धीरे चल रहा था अभी, वरना कहाँ पकड़ पाते। आप तो अकेले निकले थे ना वैसे तो? नहीं नहीं नहीं, तीन लोग निकले थे हम। चलो ओके बाय, टेक केयर, आराम से जाना। भाई साहब ये देखो यहाँ पर भी रोड बन गया, देख रहे हो पूरा यहाँ पर नाला बहता था, नाला। पिछले साल जब क्रॉस किया था ये वाला सेक्शन, नदी में से क्रॉस किया था, ऑलमोस्ट खत्म खत्म है भाई, सब कुछ खत्म, बर्फ खत्म, नाले खत्म, सब कुछ खत्म 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 हो गया, मैं पागल हो जाऊंगा। कभी कभी हो जाता है ना कि चीज़ें देखकर आप, डिफरेंट चीज़ें देखकर इधर उधर हिल जाते हो। देख लो बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज, कोई नाला नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पानी नहीं, क्या बात है, क्या हाईवे बना दिया। अबे देखो ना यार 4 लेन 6 लेन देख रहे हो, ये तो मुझे लगता है 4 लेन है ये। हाँ हाँ 4 लेन है, देखो 12 लाशला पे, 12 लाशला की जो चढ़ाई है ना जस्ट यहाँ से स्टार्ट हो गई है, ये है भरतपुर। हाँ पूरा 4 लेन बना दिया, आगे पता नहीं कैसा होगा, खत्म कर दिया लगता है, इसीलिए तो लोग एक दिन में मनाली पहुँच जाते हैं अब। हाँ। सुबह स्टार्ट करो अर्ली मॉर्निंग, सीधा मनाली लेह से, या फिर लेह से मनाली। तो यहाँ से शुरू हो गई है जी 12 लाशला पास की चढ़ाई, बर्फ देखो देखो लास्ट बर्फ है इस ट्रिप की। देख लो जी भर के देख लो इन नज़ारों को, लेकिन रोड भाई कतल बना दिए। ओए होए यहाँ पे देखो पूरा ग्लेशियर काट रखा है, देख रहे हो, और इस साइड भी पड़ी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी लोग ऊपर चढ़े हुए हैं बर्फ के ऊपर। चढ़ गए होंगे यहाँ के इससे, यहाँ से चल 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 चल, ट्रक आ रहे हैं यार। मैं तो जा रहा हूँ भाई, ट्रक आ रहा है पीछे से, ट्रक आ रहा है पीछे से, जल्दी आ। ये देखो गजब नज़ारे हैं, आखिरी स्नो है इस ट्रिप की, क्योंकि रोहतांग के ऊपर से तो हम जाएंगे नहीं, अटल टनल से निकल जाएंगे। इतने सारे बंदे भर रखे हैं इनोवा में और खींचे जा रहे हैं भाई, इतने सारे बंदे लाने का मतलब क्या है एक कार में, एंजॉय करते हुए जाओ, मैक्स टू मैक्स 4 बंदे होने चाहिए। भाई साहब इन्होंने तो ऐसी तैसी कर ली है, ना ये चढ़ रहे ना मुझे चढ़ने दे रहे हैं। इससे आगे निकला जाए, ये लो भाई पहुंच गए 12 लाशला टॉप पर, जस्ट यहाँ से 500 मीटर होगा। यहाँ पे तो खाने पीने का सामान खुल गया भाई, मोमोज खुल गए क्या 12 लाशला टॉप पर? लग तो ऐसे ही रहा। कार देखो कहाँ कहाँ लेके गए, वो देख रहे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वर्ल्ड्स डेडलीएस्ट पास पे कोई वैन खड़ी होगी, देखो आज वैन खड़ी है यहाँ पर।
क्या मिलेगा जी? चाय कर दो, है ना? और कुछ है? कॉफी कर दो भाई, दुकान पूरा हिल रहा है, दुकान पूरा हिल रहा है। वर्ल्ड्स डेडलीस्ट पास इसको बोला जाता था। हाँ, एक लाशों का पास ऐसी कुछ बोला जाता था। हाँ, 12 लाख को डेड बॉडी पास। हाँ, पूरा रोड बन गया भाई। ये तो ऐसा लग रहा है रोहतांगला टॉप पे पिकनिक करते थे ना पहले, वैसा लग रहा है मुझे। आओ उधर खड़े होते हैं यहाँ पे। ठीक है यार, टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट आएगा जाएगा क्रॉस करेगा। आने वाले दिनों में यहाँ पे गोलगप्पे की रेडी भी लगेगी। गोलगप्पे, दही बल्ले, कुल्फी, है ना? सही क्या था, तब आप कश्मीर की तरफ से आ रहे थे। हाँ, अब आप इस साइड से जा रहे हैं, सो लकीली फाइनली वी मेट। सेम यार, सेम यार ब्रो, अच्छा लगा मिलके। कहाँ पे? 12 लचला पास पे। बिल्कुल। अरे वहाँ पे तो टेम्पो ट्रैवलर भी चलेगा यार, वहाँ पे क्या कैफेटेरिया? अच्छा कैफेटेरिया खोल दिया लग रहा है उधर। है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं, पब्लिक ऊपर जा रही है उनके लिए खोला है। टॉप पर एक कॉफ़ी पी और एक मैगी खाई, अब पेट फुल हो गया है तो अब आराम से मनाली तक खींच सकते हैं। वैसे रात तो हो ही जाएगी, 4 बजने वाले हैं। मनाली अभी बहुत दूर है यहाँ से, 160-170 तो होगा मेरे ख्याल से। सूरज ताल में आपका स्वागत है। मई के अंदर आते हो तो पूरा का पूरा वाइट होता है, ये फुल स्नो। लेकिन अभी देखो कितना कम पानी हो गया है। जुलाई में आप ये वीडियो देख रहे होगे, वो देखो सेल्फी सेल्फी हो रही है। सूरज ताल तो ये था सूरज ताल, मज़ा आया देखकर, अच्छा लगा। और वहाँ पर कुछ लोग नीचे गए हुए हैं, पानी में पत्थर फेंक रहे हैं। टूरिस्ट कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, गहरा ही है बहुत ज़्यादा। ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ। क्या हुआ? ये पूछ रहे भाई साहब कि आगे क्या देखने लायक है, जाना जरूरी है। पता क्या है, हमारा ऑक्सीजन लेवल हो रहा है कम। अच्छा, हम हिमाचल के ही, ऑक्सीजन लेवल ऐसे लग रहा है। तो आगे देखने लायक कुछ है? देखो देखने लायक तो बहुत कुछ है, देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या बताएं? अभी हिमाचल के। हाँ, आगे जो पहाड़ मिलेंगे ना आपको ऑक्सीजन लेवल और कम मिलेगा। ठीक, पत्थर, पहाड़, लेक्स मिलेंगे। अगर पेंगोंग जाओगे, पेंगोंग काफी दूर है, आपको पहले ले जाना पड़ेगा ले से आगे पेंगोंग। हाँ, ले से 200 किलोमीटर आगे पेंगोंग है, 180 के आसपास। फिर वापसी ले आना पड़ेगा, फिर आपको श्रीनगर जाना पड़ेगा, श्रीनगर से आप जा सकते हो। अगर आपका सर में दर्द हो रहा है तो पानी ज़्यादा पियो, ठीक है? जितना ज़्यादा से ज़्यादा पी सकते हो, चाय, पानी, लिक्विड जितना हो पी सकते। हाँ हाँ हाँ, तो आपका 2 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा सर दर्द। यहाँ से अपन ले पहुँचने में आज रात हो जाएगी, रात हो जाएगी। आप सरचू में रुक जाओ, सरचू सिटी है, सिटी नहीं है, मतलब आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, पहाड़ ही है, पूरा पहाड़। ले लद्दाख का पहाड़ी है, पूरा पहाड़ मिलेगा पूरा। प्लान कितने दिन का है सबसे, ये भी तो डिपेंड करता है ना। कल और परसों की वापसी है। नहीं फिर नहीं कर सकते आप, भूल जाओ। 2 दिन आप वापसी बोल लो, 2 दिन का प्लान है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसको कम से कम आपको 10 दिन लग जाएंगे। 10 दिन ले लद्दाख, हाँ, अगर अच्छे से देखना है तो। कम से कम बता रहा हूँ मैं, पुराने देख पाओगे। हाँ चलो, थैंक यू। ओके जी,
तो इन भाइयों का प्लान 2-3 दिन का है और 2-3 दिन में यार पूरा लद्दाख देखना चाहते हैं। भाई साहब ये भी एपिक था, बोल रहे सर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक्चुअली फ़ोटोज़ और इंस्टाग्राम की जो रील वगैरह है ना, लोग देख के वो आ जाते हैं लेकिन कोई भी प्रिपरेशन नहीं करते हैं, और लद्दाख के लिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है। आपको पता होना चाहिए कितने दिन कौन सी जगह है, कहाँ पर देखनी है, कहाँ पर रुकना है, सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है। लेकिन कई लोग ऐसे ही आ जाते हैं, ये भाई भी ऐसे आ गए होंगे कि भाई चलो घूमने चलते हैं लद्दाख, देख के आते हैं लेह लद्दाख। अगर आपको अच्छे से लद्दाख देखना हो ना दोस्तों, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कम से कम 15 दिन लेके चलो, तो आप एक लद्दाख का रेगुलर सर्किट देख पाओगे। नहीं तो आप भाई साहब कुछ भी नहीं देख पाओगे, हल्का फुल्का देखोगे फिर आपका मन नहीं करेगा कि भाई देख के भी आए और मज़ा भी नहीं आया। तो 15 दिन एटलीस्ट लेके चलो तो बढ़िया है, रुकते रुकाते चलो, मौज मनाते हुए चलो, इन दृश्यों को देखते हुए चलो, किसी की देखम देखी जल्दी से ना आए, पहले रिसर्च करें फिर देखें। हाँ रिसर्च इन मीन्स आप मेरे व्लॉग भी देख सकते हैं, अब मेरे व्लॉग्स में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा अपने व्लॉग्स की, लेकिन ठीक है ना, आपको अगर जानकारी मिल रही है मेरे व्लॉग से तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ से रास्ता काफ़ी अच्छा हो जाता है। कश्यप राइडर, अच्छा कश्यप राइडर, तो मैंने आपको अभी पहले मैं पीछे मैंने हाथ पाथ धोए, मैंने टॉयलेट भरा था तो वहाँ से अच्छा 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 बोला भाई तो पढ़ो, मैं वहाँ से बड़ी स्पीड से आया। मानस चल चल मैं आ रहा हूँ, भाई से मिलना था, मेरी इच्छा थी भाई से मिलने थी। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ मोटा एडवेंचर एक्सट्रीम, ये मैं नहीं देता, मेरे भाई तो देते पहचाना। अच्छा अच्छा सब्सक्राइब कर रखे इनको तो। थैंक यू भाई, थैंक यू। मैंने भाई की बाइक पे देखा था और मैंने सोचा था ये यार कहीं नहीं, मैंने बाइक जो थी ना, मैंने बाइक पे बनाया, ऐसी बाइक सिर्फ इन्हीं के पास है और जो इस चल। थैंक यू भाई, अच्छा लगा मिलके। चलो ये फोटो लेते हैं और फिर भाई तो मैं कहाँ से भाई? मैं दिल्ली से हूँ भाई, गाड़ी गुड़गांव की है, दिल्ली जनकपुरी। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when Scar or Radha, तब कितना जाम था और अब देखो कितना जाम है भाई साहब। कम से कम अभी अभी मैंने 10,000-20,000 गाड़ियां देख ली होंगी, इतना जाम लगा पड़ा है भाई साहब। कार में आना तो आफत है वैसे, देख रहे हो, मनाली तो आओ ही मत भाई कार में। क्या तबाही वाला जाम था, पूरा इंडिया मनाली में आ गया है। हाँ एडवेंचरस व्लॉग था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया हुआ है तो कर देना। और हाँ इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का हैंडल है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो चलो अब करते हैं टाटा बाय बाय, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा।